Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, if and then से related कुछ और concept हैं, जैसे converse, बताना किसी भी statement का if and then का use किया है, and then आपने उस statement में if and then का use करने के बाद, उसका converse कैसे बताएंगे, उसका contra positive कैसे बताएंगे, तो see. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, converse कैसे लिखते हैं. तो अगर एक statement है, if P then Q, if P then Q, if और then का use कर रहा है आपने combine करने के लिए, और अब इसका converse आपको बताना है, तो उसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स हो जाएगा इफ क्यू देन पी, यानी इफ पी देन क्यू का क्या हो गया, क्यू आपने पहले यानी देन वाले को पहले लिख लिया, इफ वाले को बाद में लिख. समझते हैं कैसे. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इट इज डिविजिबल बाय 5. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, इट इज डिविजिबल बाय 5. यहां पे देन नहीं लिखा, लेकिन देन अंडरस्टूड है स्टूडेंट, यहां पे देन अंडरस्टूड अगर नहीं भी लिखा तो यहाँ पे अंडर स्टूडियो के देन लिखा होगा, मैं फिर भी लिख के आपको बता रहा हूं. कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, देन इट इज डिविजिबल बाय 5. तो अब आप देखिए, इस ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, इफ यहां पर है, देन यहां पर है. अब इसका जब आपको कन्वर्स करना है, तो Q यहां पर ले आइए, P यहां पर ले आइए, तो फिर आपका क्या होगा, सी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 10. तो देखिए, इफ को आपने देन वाले को इफ की जगह, इफ वाले को देन की जगह आप लिख लिया, तो ये कन्वर्स आ गया. तो इस तरह से आप किसी भी स्टेटमेंट का जो आपने इफ और देन की इम्प्लीकेशन के साथ लिखा है, उसका कन्वर्स इस तरह से लिखते हैं. अब इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं, सीधा एग्जांपल.